हमें नोएडा सेक्टर 62 के आयोन डिजिटल जोन के बाहर जहां अभी एसएससी सीजीएल का पेपर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है, हम बच्चों से जानने वाले हैं कि एग्जाम कैसा आया था, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, कौन सा सेक्शन ज्यादा हार्ड था, कौन सा सेक्शन ज्यादा ईजी था, और भी बहुत कुछ है जो हम बच्चों से जानने वाले हैं। तो बने रहिए अवर एजुकेशन के साथ। आपका नाम? गौरव पंडित। गौरव, आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम सर बहुत अच्छा गया, और कहना चाहूँगा कि एग्जाम इस टाइम से, पहले वाले टाइम से अब का एग्जाम थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन रीजनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस वजह से हुई क्योंकि जो वर्बल रीजनिंग थी उसमें क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों चीज़ें साफ साफ नहीं दिख रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन या तो छोटा होना चाहिए या फिर क्वेश्चन को छोटा पुटअप करके रखना चाहिए। आपने एसएससी सीजीएल का कोई एग्जाम पहले भी दिया? मैंने इससे पहले एसएससी सीजीएल नहीं दिया, लेकिन 10+2 लेवल से सीएचएसएल दिया था। चलिए हम सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज बात करते हैं। तो रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स थे जो क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में मिसिंग टॉपिक्स रखे गए थे और एज रिलेक्शन से कुछ भी नहीं आया, बस ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जो बहुत ईजी टाइप में था, और जैसा कि पहले एसएससी सीजीएल के एग्जाम थे उनसे ये वाला एग्जाम फिर भी थोड़ा बहुत रिलेवेंट रहा है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो? इंग्लिश की बात करें तो सर इंग्लिश इस बार बहुत अच्छी आई है। कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छा था, और अगर हम लोग फ्रेज की बात करें तो एकदम रिलेवेंट था, मतलब टफ नहीं था, रियली बात है। अगर आपने एक महीने भी ढंग से इंग्लिश पढ़ी है तो आप इंग्लिश सॉल्व कर सकते हैं। आप काफ़ी इजी बता रहे हैं, तो 25 में से आपने इंग्लिश में कितना? मैंने 23 अटेम्प्ट किया, इसमें मैं 20 में श्योर हूँ, एकदम 20 श्योर भी आपके। अब मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स? सर मैथ के टॉपिक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैथ पे मेरी गलती की वजह से मैंने टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैथ का सेक्शन सबसे बाद में मैं देख पाया था, जिस वजह से मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, जिसमें से मैथ में तुक्का लगाने का कोई सवाल नहीं था, तो 15 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करके किया है। चलिए, लास्ट पार्ट आपका बचता है जीएस का, जो काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं जीएस में, आपको कोई एक दो क्वेश्चन याद है? सर जीएस में कोई क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर्स में मैं बोल सकता हूँ कि अभी मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था जिसको वहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने करवाया था, तो उस कार्यक्रम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। तो मोस्टली कौन से क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स ज़्यादा थे या नॉर्मल क्वेश्चन उसमें थे? सब चीज़ ज़्यादा थी, अगर माना जाए तो करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन, ऐसा किसी भी सेक्शन से नहीं था, ना तो हिस्ट्री, ना ही जीके जीएस में, और ना ही किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से। तो आपने ओवरऑल 100 में से कितना अटेम्प्ट? 74 ये सारे श्योर थे या कहीं थोड़ा बहुत तुक्का वाला? सर थोड़ा बहुत अलग था, श्योर तो कुछ मतलब थोड़ा बहुत तुक्के थे, तुक्का तो कोई भी नहीं था अगर माना जाए, लेकिन ज़्यादातर श्योर थे, ज़्यादातर श्योर थे। 65 श्योर है। चलिए सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो आज हमने जाना कि एसएससी सीजीएल की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा आया था, क्वेश्चन पेपर कैसा था, और क्या चेंजेस थे पिछले एग्जाम पैटर्न से इस बार के एग्जाम पैटर्न में। ऐसे ही अलग अलग एग्जाम के एनालिसिस के लिए बने रहिए अवर एजुकेशन के साथ। Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates on time.